आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एम के वर्मा क्लासेस में। पिछले वीडियोज में मैं बता चुका हूँ डिफरेंशिएशन का कुछ फॉर्मूला और कुछ एग्जांपल, और आज भी कुछ एग्जांपल बतलाएंगे और साथ ही साथ चेन रूल बतलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, एक्स का पावर 5 प्लस एक्स का पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले इसको y मान लेंगे, y इक्वल टू x टू दी पावर 5 प्लस x टू दी पावर 4। इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy by dx, x to the power 5 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dx to the power 5 by dx plus dx to the power 4 by dx, dy by dx, x to the power 5, x to the power 5 का 5x to the power 4। पावर जितना रहेगा वो गुना में आएगा और उतना ही में से एक कट जाएगा। उसी तरह x का पावर 4 का 4x क्यूब, पावर 4 गुना में आ गया और 4 में से एक कट गया। 3 एग्जांपल सेकंड, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, इसको भी y मान लेना है। y इक्वल टू x x क्यू प्लस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, इसका डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy by dx, x क्यू का dx cube by dx plus dx square by dx plus 5 बाहर, x का dx by dx 8 constant term है। constant term अगर रहे तो उसका differentiation 0 होता है। x cube का 3x square, 3 गुना में आया और 3 में से 1 घट गया। उसी तरह x square का power 2 गुना में आया, 2 में से 1 घट गया, नहीं कुछ है तो 1 है। 5 dx by dx 1 plus 0, यही रह जाएगा। 3x square, x के पावर 1 को सिर्फ x लिख सकते हैं, 5 into 1, 5। example third, x square प्लस 5 साइन एक्स प्लस 9, इसको भी y मान लेंगे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 साइन एक्स प्लस 9, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy by dx, x स्क्वायर का dx स्क्वायर by dx 5, sin x का d sin x by dx plus 9, 9 कांस्टेंट टर्म है तो ये 0 हो जाएगा। x स्क्वायर का 2x, क्योंकि पावर 2 गुना में आएगा और 2 में से 1 घटेगा, नहीं कुछ है तो 1 है। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और इतना भी 0 जरा यही रहेगा। चेन रूल, सबसे पहले समझिए
ये डिफरेंशिएशन जो है वो कैलकुलस का ही पार्ट है, कैलकुलस के ही अंतर्गत आता है। कैलकुलस 12th के एग्जाम में 44 मार्क्स का रहेगा और इसी में डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके बाद इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, टोटल 5 चैप्टर रहेगा। और डिफरेंशिएशन तो स्टार्ट कर चुके हैं, इसी में चैन रूल है, डी वाई बाई डी एक्स को हम चैन रूल में डी यू इंटू डी वी, डी वी इंटू डी टी, सॉरी यहाँ वाई होगा, डी वाई इंटू डी वी इंटू डी वी इंटू डी वी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स इतना लिख सकते हैं, क्योंकि डी वी से डी वी कैंसिल हो रहा है, डी टी से डी टी कैंसिल हो रहा है। इस पर एक एग्जांपल बतलाते हैं, साइन एक्स क्यू इसका डिफरेंशिएशन इस चैन रूल पे ही बनेगा। सबसे पहले वाई मानना है, वाई इक्वल टू साइन एक्स क्यू, ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा उसको टी मान सकते हैं, यू भी मान सकते हैं या बी भी मान सकते हैं। सबसे पहले टी ही मान लेते हैं इसको, टी इक्वल टू एक्स क्यू, इसका लास्ट टर्म एक्स है तो एक्स के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, टी का डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स, एक्स क्यू का डी एक्स क्यू बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x², क्योंकि पावर 3 गुना में आएगा और 3 में से 1 घटेगा तो 2। और उसी तरह अब इसको एक्स क्यू, एक्स क्यू को हम t माने हैं तो इसके स्थान पर एक्स क्यू के स्थान पर t आ जाएगा, यानी y इक्वल टू साइन एक्स क्यू, एक्स क्यू को तो t मान चुके हैं तो एक्स क्यू के स्थान पर t। इसका लास्ट टर्म देखिए, इसमें t है, इसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t, y का dy by dt क्योंकि इस बार विथ रिस्पेक्ट टू टी यानी टी के सापेक्ष, तो इसीलिए डी वाई बाय डी टी, डी साइन टी बाई डी टी। साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी होगा, इसे साइन एक्स रहता है तो कॉस एक्स, यहाँ साइन टी है तो यहाँ कॉस टी, यहाँ जो रहेगा वही होगा, अगर थीटा रहेगा तो थीटा, तब यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में होना चाहिए फ्रॉम चैन रूल। चैन रूल में डी वाई बाई डी एक्स, ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकेंड। फर्स्ट में जो है उसको यहाँ लिखेंगे डी टी बाई डी एक्स इंटू सेकेंड, सेकेंड में डी वाई बाई डी टी, अगर एक और इक्वेशन रहता है तो उसको भी गुना करते, यहाँ डी टी से डी टी कट रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स ही बच रहा है। डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स निकाल चुके हैं 3x² डी वाई बाई डी टी, इसका मान cos t, 3x² cos t, का वैल्यू देखिए एक्स क्यू, एग्जाम्पल सेकेंड, साइन कॉस एक्स, इसको भी सबसे पहले वाई मान लेंगे, वाई इक्वल टू साइन कॉस एक्स, इसमें किसको टी या यू हम मान सकते हैं तो ब्रैकेट के जो अंदर रहेगा, जब नहीं है टी यू भी मान सकते हैं या भी मान सकते हैं, यू मान के बना देते हैं, यू इक्वल टू कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट
both sides with respect to x. u का du by dx, cos का d cos x by dx, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, y इक्वल टू साइन cos, cos को तो हम u मान चुके हैं तो u लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू यू, क्योंकि इसका लास्ट फंक्शन यू है, कोई बड़ा फंक्शन नहीं है, y का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में dy by du और इसका sin u का d sin u by du, sin u का sin का डिफरेंशिएशन cos u होगा क्योंकि थीटा का बदलाव u है, इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम चैन रूल, चैन रूल में dy by dx इक्वल टू समीकरण फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में du by dx और सेकंड में dy by du, du इज du कट के यही बचेगा, dy by dx बचेगा, du by dx, du by dx इक्वेशन फर्स्ट में माइनस साइन x, dy by dy by du, dy by du का मान इक्वेशन सेकंड में cos u माइनस sin x into cos u, u का मान cos x, यानी sin cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x into cos cos x. अब एग्जांपल थर्ड, cos x cube plus 3, इसको u मान लेते हैं, y मान लेते हैं, y इक्वल टू cos x क्यू प्लस थ्री, अब इसको u या v या t मान सकते हैं, t मान लेते हैं, t इक्वल टू x क्यू प्लस थ्री, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt by dx, इसका dx क्यू by dx 3 constant, constant का differentiation 0, x cube का power 3 गुना में 3 में से घटेगा, यानी 3x square, 3x square में 0 ऐड करेंगे 3x square ही रहेगा, y equal to cos, इसको t मान लिए हैं तो t लिखेंगे, differentiate both sides with respect to t, y का dy by dt, cos का d cos t by dt, cos का differentiation minus sin t, minus sin t, t का value बाद में बैठाएंगे, ये equation second, from chain rule, चैन रूल में dy by dx इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट में क्या है कि dt by dx, सेकंड में dy by dt, dt by dx, dt by dx का वैल्यू 3x स्क्वायर, dy by dt, dy by dt का मान माइनस साइन t प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर इनटू साइन t, t का वैल्यू x क्यू प्लस 3. अब एग्जांपल 4 बतलाते हैं, साइन x टू दी पावर x स्क्वायर प्लस 5, इसको भी सबसे पहले y मान लेते हैं, y इक्वल टू साइन x स्क्वायर प्लस 5,
सबसे पहले अब इसको ब्रैकेट के अंदर अंदर है उसको टी मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, टी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव का डी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, फाइव का फाइव अकेले कॉन्स्टेंट रहे तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, क्योंकि पावर दो गुना में दो में से एक हटेगा एक नहीं कुछ है तो एक है, और वाई इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, इसको टी माने टी लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, वाई का डी वाई बाई डी टी, साइन टी का डी साइन टी बाई डी टी, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा एंड कॉस टी इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम चैन रूल, चैन रूल में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स इंटू डी यू डी वाई बाई डी टी, क्योंकि फर्स्ट में डी टी बाई डी एक्स है, सेकेंड में डी वाई बाई डी टी, डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी का मान कॉस टी, टू एक्स इंटू कॉस टी, कॉस टी, टी का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। एग्जाम्पल फाइव, टेन ए टू द पावर एक्स, सबसे पहले इसको y मान लेना है, y इक्वल टू टेन ए टू दी पावर x, ए टू दी पावर x को t मान लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, t का dt टी बाई डी एक्स, ए टू दी पावर x का, ए टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन ए टू दी पावर x इंटू log a, y इक्वल टू टेन ए टू दी पावर x, ए टू दी पावर x को t मान चुके हैं, t लिखेंगे, इसका लास्ट फंक्शन t है तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, y का dy बाई डी टी, डी टेन टी बाई डी टी, टेन का sec स्क्वायर t, इक्वेशन ये फर्स्ट और ये सेकेंड। फ्रॉम चैन रूल डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स इक्वेशन फर्स्ट में डी टी बाई डी एक्स, सेकेंड में डी वाई बाई डी टी, यानी डी वाई बाई डी एक्स को ये लिख सकते हैं क्योंकि डी टी डी टी कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स का ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए इंटू डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी का मान सेक स्क्वायर टी, ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए इंटू सेक स्क्वायर टी, टी का वैल्यू एक पावर एक्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, और अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन पर डाउट हो तो अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में भेजें।